नंदू अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ हरिपुर गांव में रहता था। वो गांव के साहूकार के पास मजदूरी करता था। नंदू ने अपनी बहन की शादी के लिए साहूकार से कर्ज लिया था, जिसका भुगतान वो साहूकार को कई वर्षों से कर रहा था। नंदू गरीबी के कारण बहुत परेशान रहता था। पत्नी और दोनों बच्चे भी भूख और गरीबी में गुजारा कर रहे थे। नंदू भगवान शंकर की बहुत पूजा करता था। हमेशा जय भोले बाबा का जाप करता रहता। एक दिन मंदिर में शिवरात्रि का भव्य आयोजन था। नंदू ने सोचा कि वो भी परिवार को लेकर शिव मंदिर जाए। वो पत्नी माला और बच्चों छाया और नमन के साथ मंदिर पहुंचा। पुजारी जी, हमें भी भगवान शंकर के दर्शन करने दीजिए। पत्नी और बच्चे बड़ी देर से भगवान भोले के दर्शन को खड़े हैं। अरे नंदू बेटा, तुम्हें तो पता है आज के दिन हर साल साहूकार जी का परिवार सबसे पहले दर्शन करता है, उसके बाद मंदिर में किसी और को दर्शन की इजाजत होती है। ओ नंदू, यहाँ खड़ा पुजारी जी के साथ बहस कर रहा है। मंदिर में दर्शन करने के लिए पुण्य करने पड़ते हैं, पुण्य। तो जैसे कंगाल के पास ऐसा क्या है भगवान शंकर को देने के लिए? बता, कोई दान दक्षिणा या कोई चढ़ावा? पुरोहित जी, भगवान को भोग लगाने के लिए ये आटे का हलवा बनाकर लाई थी। पता नहीं कितनी देर लगेगी साहूकार जी को पूजा करने में, उससे पहले कोई प्रसाद भोग नहीं लगेगा। आज तुम लोग बाहर से ही दर्शन कर लो। आइए साहूकार जी, आप भगवान शंकर के दर्शन कर लीजिए। बाबा, हमें तो मंदिर में जाने ही नहीं दिया, अब ये हलवा कौन खाएगा? अरे माँ, वो घर के मंदिर में हमेशा भोग लगाती है, तो वही लगाएगी। हाँ नमन, हमारे घर में भी तो भगवान भोलेनाथ हैं, हम उन्हें ही भोग लगाएंगे। नंदू अपने बच्चों की मीठी मीठी और बचकानी बातें सुनकर रोने लगा। वो एक बंधुआ मजदूर था और साहूकार के पास नौकर था, इसीलिए साहूकार भी उसको हमेशा बेइज्जत करता रहता था। अगर साहूकार चाहता तो नंदू को भगवान शंकर के दर्शन हो सकते थे, पर साहूकार भी अपनी अमीरी के घमंड में चूर था, इसलिए वो गरीब नंदू को बेइज्जत करता था। नंदू माला और बच्चों को लेकर वापस घर की ओर चल पड़ता है। रास्ते में एक लड़का नंदू के सामने आ जाता है। कुछ खाने को दे दो भैया, बड़े जोरों की भूख लगी है। अरे तुम कौन हो भाई? मेरा नाम शिवा है, मैं यहीं मंदिर के पीछे एक झोपड़ी में रहता हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है, आपके पास कुछ खाने को है तो दे दो। भैया, ये आटे का हलवा है मेरे पास, अगर ये खाओ तो और इससे आपकी भूख थोड़ी मिट जाए तो। हाँ हाँ दीदी, मुझे आटे का हलवा दे दो, भूख में तो प्रसाद और भी स्वादिष्ट लगता है। शिवा आटे का हलवा बहुत ही चाव से खाने लगता है और कुछ ही देर में वो सारा प्रसाद खा लेता है। बापू, इन्होंने तो सारा प्रसाद खा लिया, अब भगवान को क्या भोग लगाएंगे? कोई बात नहीं छाया बेटी, शिवा भूखा था इसलिए हमने इसे प्रसाद खिला दिया। भगवान को पता है कि शिवा भूखा था। हलवा बहुत ही स्वादिष्ट था, मेरा तो पेट भर गया, अब तो एक निवाले की भी जगह नहीं है। आप लोग बहुत अच्छे हो, क्या आप मुझे कोई काम दे सकते हो? मैं कुछ भी कर लूंगा। अरे भाई, मैं तो खुद एक गरीब बंधुआ मजदूर हूँ, गांव के साहूकार के पास मजदूरी करता हूँ, मैं तुम्हें भला क्या काम दूंगा? भैया, मैं तो उसी काम में हाथ बटा दिया करूंगा। हाँ, बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, अपने घर के आंगन में बस सोने की थोड़ी जगह दे देना। अच्छा ठीक है भाई, कल तुम मेरे घर आ जाना, मैं तुम्हें काम पर रख लूंगा। वो लड़का अगले दिन सुबह सुबह ही नंदू के घर का दरवाजा खटखटा देता है। नंदू दरवाजा खोलता है। अरे शिवा, ये सब क्या ले आए? वो मैं रास्ते से आप लोगों के लिए खेत से हरी हरी तुरई तोड़कर लाया हूँ, ये लीजिए, और भैंस का ताजा दूध भी है। माँ देखो, शिवा काका दूध लेकर आए हैं। ये लो नमन बेटा, आज जितनी मर्जी दूध पियो,
कोई कमी नहीं है। पर शिवा, इतना सब कुछ तुम कैसे ले आए? अरे नंदू भैया, कोई शिव भक्त था, उसे खेतों में कुछ काम करवाना था तो बदले में उसने ये सब्जी दे दी। फिर आगे किसी दूध वाले को काम था तो उसने हमें बदले में ये दूध दे दिया। अब भोले शंकर के भक्त हैं हम भी, तो कर दिए उनका नाम लेकर सारे काम। शिवा बच्चों के लिए कुछ न कुछ खाने का सामान ले ही आता था और घर के काम में मदद करता था। एक दिन नंदू माला से बोला, माला, मुझे समझ नहीं आ रहा, ये शिवा हमारे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहा है? बच्चों के लिए भी ये इतना दूध, फल, सब्जी सब ले आता है, पर कब तक हम इससे काम करवाते रहेंगे? ऐसे अच्छा नहीं लगता हमारा इससे काम करवाना। कह तो तुम ठीक रहे हो, तुम एक काम क्यों नहीं करते, साहूकार से कहकर इसे भी अपने साथ काम पर लगवा लो, वही ठीक रहेगा, वहां तो काम के बदले पगार मिल जाएगी, हम इसका और कितने दिन एहसान लेते रहेंगे। ठीक है, मैं कल ही साहूकार से कहकर इसको काम दिलवाता हूँ। अगले दिन नंदू शिवा को लेकर साहूकार के पास जाता है। वो साहूकार से शिवा के लिए भी कोई काम बताने के लिए कहता है। साहूकार जी, इसका नाम शिवा है, अगर इसको भी आप कोई काम दे दें तो इसका भी भला हो जाए। ठीक है, अपने साथ खेतों में इसे भी लगा ले, और जितने पैसे मैं तुझे देता हूँ उतने ये भी ले लेगा, ठीक है? शिवा नंदू के साथ अब खेतों पर भी काम करने जाने लगा। साहूकार शिवा को जो भी पगार देता वो नंदू को ही अपनी अमानत के तौर पर जोड़ने के लिए रखवा देता था। नंदू कई बार शिवा से कहता कि वो अपने पैसे वापस ले ले, परंतु शिवा उसे कहता कि जब वक्त आएगा ये पैसे तभी काम आएंगे। एक दिन साहूकार नंदू और शिवा को किसी काम से दूसरे गांव भेजता है। रास्ते में रात हो जाती है, जंगल का रास्ता था, तभी एक शेर के दहाड़ने की आवाज आती है। शिवा, ये तो किसी शेर के दहाड़ने की आवाज है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। नंदू भैया, आप तो भगवान शंकर के परम भक्त हो, तो डर कैसा? और जब भक्त मुसीबत में हो तो भगवान को भी सहायता के लिए आना ही पड़ता है। आप उस पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ जाओ, बाकी सब मैं देख लूंगा। शिवा, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर ऐसे पेड़ पर चढ़कर बैठ जाऊं तो ये भी तो सही बात नहीं है ना? नंदू भैया, आप निश्चिंत होकर पेड़ पर बैठ जाओ, मैं शेर को अपने वश में कर लूंगा। नंदू जैसे ही पेड़ पर चढ़ने के लिए मुड़ता है, वो देखता है शेर उसके सामने खड़ा है। नंदू शेर को अपने सामने देखकर डर जाता है। नंदू आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करने लगता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हे शिव शंकर, मेरी रक्षा करो, इस विपदा को दूर करो प्रभु। जैसे ही शेर नंदू पर हमला करने लगता है, अचानक से शिवा नंदू के आगे आ जाता है। नंदू शिवा के पीछे छुप जाता है। शेर शिवा को थोड़ी देर तक देखता रहता है और बिना कुछ कहे जंगल की ओर चला जाता है। नंदू ये सब देखकर हैरान रह जाता है। नंदू और शिवा दोनों घर आ जाते हैं। नंदू पूरी रात उस घटना को याद करता रहता है। अगली सुबह जब नंदू सोकर उठता है, अरे माला, ये शिवा नहीं दिखाई दे रहा। क्या पता, कहीं सामान लेने गया होगा। माला, अभी तक वापस नहीं आया शिवा, बड़ी देर हो गई है, साहूकार के पास काम पर भी जाना है, आखिर ये चला कहाँ गया? बापू, वो कई बार बताते हैं ना कि बराबर वाली जो भैंस है उसका दूध लेकर आते हैं। हाँ बापू, वो सब्जियां भी तो लेकर आते हैं और हमारे लिए खाने का सामान भी। रुको, मैं जरा देख कर आता हूँ और पूछता हूँ, किसी ने शायद शिवा को देखा हो। अरे भैया, वो एक लड़का आपके पास रोजाना काम करके बदले में दूध लेकर जाता है, उसे देखा क्या? मेरे पास तो कोई लड़का नहीं आता, और मैंने किसी से कोई काम नहीं करवाया, और ना ही कभी किसी को ऐसे काम के बदले दूध दिया है। अरे भैया, आपके खेतों से एक लड़का सब्जी तोड़कर ले जाता है ना, जिसको आपने कई बार काम के बदले सब्जी पकड़ाई है। मेरे पास तो कोई खेतों में नहीं आता सब्जी तोड़ने, और ना ही मैंने किसी को
काम के बदले सब्जी पकड़ाई है। नंदू सोच में पड़ जाता है, आखिर शिवा कहाँ गया, क्योंकि वो रोजाना दूध सब्जी और सामान पड़ोस में से ही कहकर लाता था, उन लोगों के पास नहीं गया, आखिर कहाँ गया। इस सोच में डूबा हुआ घर पर आता है। आखिर वो गया कहाँ, एक बार साहूकार के पास होकर आता हूँ, शायद वहाँ ना हो। वो तो सुबह ही मेरे पास आया और मेरे से बोला कि अमरनाथ यात्रा पर निकलना है, इसीलिए वो अपना हिसाब कर गया। हाँ, नंदू घर आता है और सारी बात माला को बताता है। माला भी सुनकर बहुत हैरान होती है कि अचानक बिना बताए शिवा अमरनाथ की इतनी लंबी यात्रा पर कैसे निकल गया। शिवा को याद करते हुए नंदू की आंख लग जाती है और नींद में वो यही सोचता है कि आखिर शिवा बिना बताए अमरनाथ की यात्रा पर कैसे जा सकता है, उसने शेर को कैसे काबू में किया, फिर उसके ऊपर क्यों नहीं हमला कर पाया। भगवान शंकर शिवा के रूप में आकर उसे कहते हैं, नंदू तुमने मुझे पहचाना नहीं, शिवा को भूल गए। भगवान शंकर, मतलब आप ही शिवा हो, आप इतने दिन। प्रभु, मैंने आपको नहीं पहचाना, ये कैसी भूल हो गई महादेव, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी सेवा नहीं की बल्कि आपसे सेवा करवाई, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए प्रभु, हे महादेव लौट आओ मेरे पास। नंदू, अब तुम मेरे पास अमरनाथ यात्रा करके आओगे, मैं अमरनाथ में ही तुम्हें अपने दर्शन दूंगा, मेरे शिवलिंग रूप का तुम दर्शन करोगे, इसीलिए तुम अपने परिवार के साथ अमरनाथ की यात्रा पर निकलो। हे भोला भंडारी, मैं अपने परिवार के साथ अमरनाथ यात्रा पर जरूर जाऊंगा और आपके मनमोहक दर्शन करूंगा। जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नंदू माला को सारी बात बताता है और अमरनाथ यात्रा पर निकलने के लिए कहता है। माला भी ये सब सुनकर बहुत हैरान रह जाती है और भगवान शंकर का स्मरण करती है। नंदू आप इसी सोच में था कि अमरनाथ यात्रा पर कैसे जाएगा, उसके पास तो इतने पैसे ही नहीं थे। पैसों की बात सुनकर माला को कुछ याद आता है। भगवान भोलेनाथ देखो, अपने आप हमें अमरनाथ की यात्रा का मार्ग दिखा गए। माला, ये तो वही पैसे हैं जो शिवा। हे महादेव, आपने तो मेरे इस जन्म को सफल कर दिया, जय भोला भंडारी, आपकी जय हो। माला, हमारे शिव शंकर ने हमें अपने धाम बुलाया है, अमरनाथ बुलाया है। नंदू भगवान शंकर के स्वप्न में दिए दर्शन के बाद शिवा रूप में उनके द्वारा दिए गए पैसों से अपनी अमरनाथ यात्रा पर जाने की तैयारी करता है। नंदू माला को बोलकर साहूकार के पास कुछ दिन की छुट्टी मांगने जाता है। साहूकार जी, मैं परिवार के साथ अमरनाथ यात्रा के लिए जा रहा हूँ, कुछ दिनों का अवकाश मांगने आया हूँ। अवकाश तो तू ले ले, वो तो तेरे पैसे में उतने दिन के काट ही लूंगा, पर ये बात बता कि तू अमरनाथ यात्रा के बारे में जानता भी है, पता है कितनी दूर है अमरनाथ धाम, पैसा कपड़ा खाने पीने पूरे परिवार के साथ तू कैसे अमरनाथ की यात्रा कर पाएगा रे। अरे बहुत कुछ दिखाना पड़ता है वहाँ, पूरा पंजीकरण होता है, पूरी तरह से स्वस्थ मनुष्य ही अमरनाथ की यात्रा कर सकता है, नहीं तो रास्ते में ही रोक देते हैं, और तू ठहरा एक गरीब कमजोर, दो दो दिन तो तू रोटी नहीं खाता रे, रास्ते में ही गिरकर बेहोश हो गया तो वापस भेज देंगे। देख, मैं भी अमरनाथ जा रहा हूँ अपने परिवार के साथ, देख लियो मैं अमरनाथ की पूरी यात्रा करके ही वापस आऊंगा। हाँ अच्छा, आप भी अमरनाथ की यात्रा के लिए जा रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, भगवान भोलेनाथ के अच्छे से दर्शन करना साहूकार जी। नंदू अपने परिवार के साथ अमरनाथ की यात्रा के लिए निकल पड़ता है। उधर साहूकार को भी अपने परिवार को लेकर अमरनाथ की यात्रा के लिए जम्मू निकलना था, पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। 75 वर्ष से ज्यादा उम्र होने की वजह से साहूकार के पंजीकरण को स्थगित कर दिया गया। साहूकार ने मन में सोचा,
भगवान शंकर ने शायद मुझे सबक दिया है कि उनकी यात्रा के लिए कोई गरीब या अमीर नहीं होता। वो जिस पर कृपा करते हैं वही उनके दर्शन कर पाता है। शायद नंदू उनका मेरे से भी ज्यादा बड़ा सेवक है, इसीलिए नंदू को ही अमरनाथ यात्रा पर जाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। मैं ये क्यों नहीं समझ पाया कि भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, उन्हें धन दौलत बड़े बड़े पकवानों से कोई मतलब नहीं। उन्हें कोई एक सूखी रोटी भी खिला दे तो उसमें भी प्रसन्न हो जाते हैं। साहूकार को याद आता है कि उस दिन मंदिर में जब नंदू और उसकी पत्नी आटे का हलवा भोग के लिए लाए थे तो साहूकार ने उन्हें मंदिर में शंकर भगवान को भोग नहीं लगाने दिया। वो पश्चाताप में भगवान भोलेनाथ से माफी मांगता है। हे शिव शंकर, मुझे माफ कर दो, मैंने उस गरीब मजदूर की गरीबी का हमेशा फायदा उठाया। बस एक बार वो यात्रा से वापस आ जाए फिर मैं खुद उससे माफी मांगूंगा। नंदू माला और बच्चों के साथ पहलगाम पहुंचता है और नंदू की यात्रा शुरू होती है। वहां से वो पैदल ही यात्रा शुरू करता है। जय बम भोले का जाप करता हुआ नंदू आगे बढ़ता रहता है। चलते चलते माला और बच्चों को भूख लगती है। नंदू उन्हें कहता है, रुको, तुम लोग यहाँ इस पत्थर पर बैठो, मैं किसी से पूछता हूँ। सुनिए भैया जी, यहाँ खाने के लिए कोई सुविधा मिल जाएगी? बीवी बच्चे भूखे हैं बड़ी देर से। अरे भाई, ये अमरनाथ श्रद्धालुओं के लिए लंगर कमेटियाँ जी जान से पलकें बिछाकर उनका सत्कार करती हैं, जिसमें वो जी जान लगा देती हैं। खाने पीने से लेकर सोने तक की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है अमरनाथ के यात्रियों के लिए। आओ मैं तुम्हें वहां का रास्ता बताता हूँ। नंदू बहुत ही सीधा साधा भगवान भोलेनाथ का भक्त था। उसने अपनी यात्रा को भगवान भोलेनाथ के भरोसे शुरू किया था और उसे पता था कि वही उसकी ये यात्रा पूरी करवाएंगे, इसीलिए वो व्यक्ति के साथ चल पड़ा। व्यक्ति उसे लेकर जब लंगर कमेटी के पास पहुंचता है तो वहां का वातावरण देख कर चकित रह जाता है। माला, यहाँ पर तो श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही सुविधा है। खाने का सामान, पीने के लिए पेय पदार्थ, हर वस्तु यहाँ पर मौजूद है। जी मैं भी यही देख रही हूँ। बाबा बर्फानी की इस यात्रा में भूखे को अन्न और प्यासे को जल की सुविधा मिलती है। बाबा भोलेनाथ आपकी जय हो। अमरनाथ यात्रा में नंदू और माला को जब ये सारी सुविधाएं मिली वो हैरान थे कि इतना आसान बना दिया इस यात्रा को। लोग जगह जगह खाने पीने और सोने की सुख सुविधाएं दे रहे हैं। अमीर भक्त इस कार्य में दान दक्षिणा देकर अपना योगदान देते हैं। चलते चलते माला और बच्चों को ठंड लगने लगी। माला नंदू से बोली, आज रात यहीं विश्राम कर लेते हैं, सुबह यात्रा शुरू कर देंगे, बच्चे भी थक गए हैं। माला, मुझे लगता है यहाँ अमरनाथ यात्रा के दौरान यात्रियों को सोने की भी सभी सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। वो उधर देखो। माला देखती है, सुबह के वक्त दिन में लंगर कमेटियां श्रद्धालुओं की भूख और प्यास को बुझाती हैं और रात होते ही लंगर स्थल धर्मशाला में तब्दील हो जाते हैं। श्रद्धालुओं को बिस्तर और सर्दी से बचने के लिए बुखारी भी मुहैया करवाई जाती है। चलो छाया नमन, ये एक एक थैला सब मिलकर उठाते हैं तो रास्ता और भी आसान हो जाएगा। माँ, यहाँ पर तो बहुत आराम से हम यात्रा कर पा रहे हैं, इतना स्वादिष्ट प्रसाद खा लिया, मुझे तो अब जोरों की नींद आ रही है। हाँ माँ, वो लंगर बांटने वाले अंकल तो बार बार और प्रसाद खाने को कह रहे थे, पर कुछ भी कहो बापू, अमरनाथ यात्रा का ये नजारा तो जीवन भर याद रहेगा। ये बर्फीले पहाड़, नदियाँ, ये वातावरण, सब कुछ कितना मनमोहक है। बच्चों, ये तो बाबा भोलेनाथ की कृपा है जो हमें उनके दर्शन होंगे। जब भगवान शिव स्वयं शिवा बनकर आए हों तो हर विपदा दूर होनी निश्चित है। हे शिव शंभू, मैंने उस वक्त आपको क्यों नहीं पहचाना? प्रभु, आपने ये कितनी अद्भुत लीला रची है, वो भी इस गरीब भक्त के लिए। जय शिव शंकर, आपकी जय हो। नंदू माला और बच्चों को लेकर धर्मशाला में रुक जाता है। रात में वहां रुककर वो अगली सुबह लंगर से प्राप्त भोजन खाकर आगे की यात्रा के लिए बढ़ते हैं।
अमरनाथ यात्रा के लिए उन्हें 5 पड़ाव पार करने थे। पहला पड़ाव पहलगाम उन्होंने पार कर लिया था। बापू, अभी हमें कितनी और यात्रा करनी है? अभी कितनी दूर है अमरनाथ की गुफा? नमन, पहला पड़ाव पहलगाम में अभी हम हैं। अभी हमें चंदनबाड़ी, शेषनाग, पंचतरणी पार करना है। उसके बाद 5वां पड़ाव अमरनाथ की गुफा है, जहां बाबा बर्फानी भोलेनाथ के शिवलिंग के दर्शन होंगे। और अब तो देखो, हमें किसी भी चीज की परेशानी भी नहीं हुई। इस यात्रा के दौरान हमने भरपेट खाना खाया, पीने को जल मिला, सोने के लिए धर्मशाला भी मिली। हमें पूरी सुख सुविधा यहाँ पर प्राप्त हुई है। धीरे धीरे चलते हुए नंदू आगे पहुँचा तो पालकी और घोड़ों पर भी लोग जा रहे थे, उनकी भी सुविधा वहाँ दी जा रही थी। वहाँ के सेवादारों ने नमन और छाया को कुछ देर घोड़े पर बिठा दिया। वो दोनों डर रहे थे, पर कुछ देर बाद उनका डर खत्म हो गया। रास्ते भर अलग अलग पड़ावों पर रुकते हुए आखिर नंदू अमरनाथ की गुफा पर पहुंचता है। पूरा परिवार इतने सुंदर दृश्य को देखकर खुशी से झूम उठता है। तुम्हें पता है माला, अमरनाथ को तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है, क्योंकि यहीं पर भगवान शिव ने माँ पार्वती को अमरत्व का रहस्य बताया था। बापू, वो देखो कबूतर। तुम्हें पता है छाया, ये कबूतर का जोड़ा बहुत ही किस्मत वालों को दिखाई देता है, जैसे तुमने देखा। प्रभु, मेरी गलतियों को क्षमा करना। आज मैंने आपकी अमरनाथ यात्रा पूरी कर ली, आपके दर्शन हो गए प्रभु, मेरा जीवन सफल हो गया। जय भोलेनाथ की, ओम नमः शिवाय। नंदू भगवान के चरणों में गिर जाता है। माला भी भोलेनाथ को प्रणाम करती है। सब मिलकर अमरनाथ बर्फानी शिवलिंग के दर्शन करते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। नंदू हमेशा याद बनकर रहने वाले अनमोल दृश्यों वाली अमरनाथ यात्रा करके खुशी खुशी गांव वापस आ जाता है। नंदू साहूकार को प्रसाद देने जाता है। जय शिव शंकर साहूकार जी, ये अमरनाथ का प्रसाद लाया था, आप कब वापस आए यात्रा से? नंदू, अब मेरे भाग्य में शायद अमरनाथ के दर्शन नहीं थे, इसलिए मेरा जाना रद्द हो गया। पर मुझे खुशी है कि भगवान शंकर ने तुम्हें अपने धाम बुलाया। तुम बहुत सच्चे भक्त हो नंदू। मैंने तुम्हारे साथ आज तक जो भी गलत किया उसकी माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो नंदू। अरे अरे साहूकार जी, आप माफी मत मांगो। नंदू, मैंने तेरी पगार बढ़ा दी है और जो भी तूने अमरनाथ यात्रा पर जाने की छुट्टियां ली थी वो भी नहीं काटूंगा। अरे ला, प्रसाद जल्दी से खिला रे। अरे भोले भंडारी का प्रसाद है, उसके बाद तू और मैं फिर शिव मंदिर चलेंगे, ठीक है? नंदू साहूकार के इस व्यवहार को देखकर हैरान रह जाता है। साहूकार नंदू को मंदिर लेकर जाता है। अरे साहूकार जी, आप नंदू के साथ? आज से नंदू भी मेरी तरह ही मंदिर में पूजा किया करेगा, ठीक है? पुजारी भी साहूकार का ये रूप देखकर हैरान रह जाता है। उस दिन के बाद नंदू मंदिर में भगवान शंकर की पूजा करने जाता तो साहूकार भी उसके साथ मंदिर चला जाता था। धीरे धीरे सब ठीक हो गया। अब नंदू की गरीबी के दिन भी दूर होने लगे और ये सब भगवान शंकर की कृपा के कारण था। एक गरीब की अमरनाथ यात्रा भोलेनाथ की कृपा से सकुशल पूरी हो गई थी।